बच्चों मैं तो नॉनवेज नहीं खाता। पर किसने कहा ये नॉनवेज है? ये तो वेजले का वेज मीट है। मोदी जी ने 3 साल के अंदर 9.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को 9.5 करोड़ ज्यादा युवाओं को 350 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा दिया है अपना कारोबार करने के लिए। वो अपना कारोबार कर रहा है, 4-5 लोगों को रोजगार दे रहा है। कितने लोगों को रोजगार मिला है? पहली बार महिलाओं में आजादी के बाद प्रसूति के लिए बच्चा होता तो 3 महीने की छुट्टी मिलती थी महिला जो सरकारी नौकरी में थी। प्रधानमंत्री ने उनको 6 महीने की कर दिया। 1 रुपया रोज बैंक में जमा करा, 1 रुपया रोज। और कोई घटना दुर्घटना हो जाए, घर में मौत हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तुरंत 2 लाख रुपये का आपको LIC मिलेगा। नारी शक्ति के लिए 1.16 करोड़ महिलाओं के गर्भ की जांच की गई। 80,000 से अधिक महिलाओं के लिए सरकार ने दवाइयों की व्यवस्था। प्रधानमंत्री ने बीमारियों से लड़ने के लिए मिशन इंद्रधनुष योजना शुरू की, मातृ वंदना योजना शुरू की। रोजगार और जीवन के संतुलित निश्चित करने प्रसूति अवकाश, 6 महीने का प्रसूति अवकाश दिया। अधिक 376 दफा में 7 साल की सजा दी जाए, 10 साल की सजा। पहली बार मौत का प्रावधान, मौत का प्रावधान, मौत का प्रावधान है। और उससे बड़ी महिला के साथ बलात्कार होने पर ये पिताजी के पास पैसा नहीं आ रही, पढ़ो डॉक्टरी करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कंप्यूटर में बैंक से उनको लोन बिना इंटरेस्ट के लोन मिलेगा जितना पैसा वो चाहिए। और जब वो पढ़ाई पूरी कर लेंगे, नौकरी करेंगे, उसके बाद उस पैसे को जमा करेंगे बिना ब्याज के। आने में समय लगता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं समझ लो गैस मिली नहीं दुनिया में मिली, हमें क्या मतलब भैया, उनको मिली है। वो मोदी के कोई रिश्तेदार नहीं है, कल उनको मिली आज आप खान, आज उनको मिली है कल आपको मिल जाएगी, परसों आपको मिल जाएगी, सबका नंबर आएगा धीरे धीरे। देश के लिए वरदान है मोदी, देश के लिए वरदान। परमात्मा उनको लंबी आयु दे और कम से कम 15 साल वो प्रधानमंत्री रहे तो परम वैभव के ऊपर पहुंच जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा तीव्र गति से विकास करने वाला पुरुष बना है पिछले 4 साल में। चाइना की वार्षिक ग्रोथ 6.5% है, हमारी 7.5%। 6 साल तक उसमें बच्चे के हर साल सिर्फ 1,000 रुपये डालने हैं, हर साल सिर्फ 1,000 रुपये। जब बच्चा 17 साल का हो जाएगा तो उसमें चक्रवर्ती ब्याज लग के उसको आधा पैसा मिलेगा और 21 साल के बाद उसको बाकी का पैसा मिलेगा जब उसकी शादी होगी। मैं ये बहनों के लिए योजना बता रही हूँ, जैसे कि अभी हमारे विधायक जी ने बताया उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमने अभी अपने ऑफिस से ही चूल्हे बांटे थे जो SC ST लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे आते, जिनके पास पीला कार्ड है, उनको हम उज्ज्वला योजना का लाभ देंगे। एक और बात मैं कह चाहती हूँ, उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आगे जाएंगे पढ़ेंगे, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं कि नहीं हम कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए हमारी कौशल विकास योजना है। 18 से लेकर 35 साल के बीच में लड़का हो या लड़की हो, कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक लंबे काम की लिस्ट हमारे पास है। बच्चा अपनी पसंद का कोई भी काम उसमें से चुने, 45 दिन का 35 दिन का कोर्स होता है, उसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। सपोज करो बच्चे ने सिलाई सीखी, बच्चे का मन है कि मुझे नौकरी करवाएं, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम एक जॉब फेयर लगाते हैं, उसमें कंपनी आती है, बड़ी बड़ी बच्चों को ले जाती है। अभी पीछे हमने लगवाया था 206 बच्चों को, वहाँ से हमने रोज़गार दिलवाया 206 बच्चों को। उसमें पेटीएम भी आया हुआ था, वोडाफोन भी आया हुआ था, बजाज अलायंस भी आया हुआ था, लेकिन फिर भी अगर ये बच्चा ये चाहता है कि मैंने कटिंग टेलरिंग करी है, मुझे बुटीक खोलना है, तो उस सर्टिफिकेट के ऊपर बहुत आसानी से 50,000 का मुद्रा लोन मिल सकता है।
आप सबसे एक छोटा सा नियम चाहता हूँ, क्या आप सब एग्री हैं, देना चाहते हैं? अच्छा, मान सकते हैं कि पांच ओकेजन हमारे छोटे घर में आते हैं। एक छोटा सा नियम ये चाहता हूँ कि आप उन पांचों दिनों कम से कम एक पौधा बाबरपुर वार्ड से निगम पार्षद कुसुम तोमर ने आज अपने ही वार्ड के अंदर, अपने ही कार्यालय के अंदर, जो 10th और 12th के अंदर जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए उनको सर्टिफिकेट दिए, मेडल दिए हैं। और एक एनजीओ के माध्यम से महिंद्रा वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा ये सारे कार्यक्रम हुआ, मैम क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये महिंद्रा वेलफेयर जो फाउंडेशन है इसके जो संरक्षक हैं वो मुझे बनाया गया है, रोहित है हमारे अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये। तो इन्होंने बहुत अच्छे एक सुझाव दिया कि बच्चों को हम मोटिवेट करने के लिए बच्चों को हम लोग सर्टिफिकेट दें जिन्होंने बच्चों ने अच्छे नंबर 10th और 12th में लिए हैं। तो उन्होंने ये योजना बनाई कि ये कार्यक्रम हम यहाँ ऑफिस में करें और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आए जिनको सर्टिफिकेट और मेडल दिया गया, साथ ही साथ बच्चों को मोटिवेट करा गया, क्योंकि जो यंग जनरेशन है ना ये समझ सकती है और यही परिवर्तन कर सकती है। कहते हैं ना जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो ये बच्चे इस टाइम यंग हैं, यही परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग से जो गर्मी आज हो रही है, जो आज के समय में स्थिति पैदा हो रही है, वो ये बच्चे ही दूर कर सकते हैं। इन बच्चों को मोटिवेट रोहित जी ने किया है मोदी सरकार की उपलब्धियां। एक कार्यक्रम एक कार्यक्रम हमारा और रहा इसी बीच में कि मोदी जी के 4 साल कार्यकाल को हो चुके हैं, इस बीच में उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं और कौन कौन सी योजनाएं वो लेकर आए हैं उसके विषय में हम लोगों ने हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं उनको जानकारी दी है। और साथ ही साथ ये भी बोला है कि जिस भी योजना का लाभ उनको चाहिए, एक पैम्पलेट हम लोगों ने दिया है कि साफ नियत सही विकास, ये हमारा नारा है, एक पैम्पलेट दिया, उसमें जो योजना जिसका भी वो लाभ लेना चाहते हैं तो निगम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। क्या वास्तव में उन योजनाओं पे काम हो रहा है या सिर्फ नहीं? काम बिल्कुल हो रहा है, लेकिन देखिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कोई भी जब हम पहले शुरू में पौधा लगाते हैं तो उसको वृक्ष बनने में थोड़ा समय लगता है, उसी तरीके से जब योजनाएं हम लोग लेकर आए हैं तो उसको थोड़ा बड़ा होने में समय लगेगा, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, दावे के साथ कह सकती हूँ कि आने वाले समय में जब ये योजना सचमुच में वृक्ष का रूप ले लेंगी ना, तब लोगों को पता चलेगा कि सही क्या था और गलत क्या था। रोहित जी क्या कहना चाहेंगे आज के स्थान? ये कार्यक्रम हमारी संस्था के थ्रू हुआ था, इसमें कुसुम जी का पूरा सहयोग रहा है, ये हमारी संस्था की संरक्षिका है और इसमें हमने जो है अपने यहाँ के आसपास के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सब की छात्राओं को जिनके 10th और 12th के अंदर अच्छे नंबर आए थे उनको सर्टिफिकेट मेडल दिए थे। ओनली गवर्नमेंट? हाँ, सरकारी स्कूलों के बच्चों को, क्योंकि देखा जाता है आमतौर पर कि सरकारी स्कूल के बच्चों को इतना मोटिवेट नहीं किया जाता, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को तो और तरीके होते हैं मोटिवेट करने के, लेकिन सरकारी स्कूलों में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमारी योजना यही थी कि हम सरकारी स्कूल के बच्चों को ही दें और साथ ही साथ हमने आज एक बच्चों को शपथ दिलवाई है कि वो अपने बर्थडे पर, अपने पेरेंट्स के बर्थडे पर और पेरेंट्स की एनिवर्सरी पर, और छोटा भाई बहन अगर घर में हो, बड़ा छोटा भाई बहन हो, तो ऐसे मिला के टूल 5-6 ओकेजन घर में आते हैं, इन 5 ओकेजन के ऊपर कम से कम 5 पौधे हर साल लगाएं अपने घर पर, जिसकी फ़ोटो वो हमें भेजेंगे और हम उस फोटो को अपने एनजीओ के पेज के ऊपर, फेसबुक पेज पर अपलोड कर देंगे।